अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुंदरा जी, आप उस कमरे में गई कैसे? वो कमरा तो हमेशा से बंद रहता था। मैं तो अपने रास्ते जाती, दरवाजा पर चाबी लगा देखा तो उत्सुकतावश मैं अंदर चला गया। तभी दरवाजा ऑलरेडी खुला था, बंद नहीं था जी। लेकिन वो कमरा बंद कैसे हुआ? मैं कमरा देखने अंदर गया तो बाथरूम भी देखा जी, बहुत सुंदर बाथरूम। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो देखा आप दरवाजा बंद करके जा रही थी। सुंदरा जी, मैं कमरे में गई थी लेकिन कमरे में तो कोई भी नहीं था। मैं बाथरूम से निकल रहा था ना, तब तुम दरवाजा बंद करके जा रहा था। मैं तुमको आवाज भी दिया लेकिन तुम बंद करके चला गया। पर कमरे में आग लगी कैसे? ऐसा लग रहा किसी ने जबरदस्ती आग लगाई है, क्योंकि कोई शॉर्ट सर्किट तो हुआ ही नहीं था। अरे आप भी सुई नहीं लगाई होगी। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना, तुम्हारी साजिश है ना ये। अरे सुंदरा से तुम्हारी खुद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुमने आज उसे कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में आग लगा दी ताकि धुएं से घुट के मर जाए। दादी, क्या क्या बोल रही है? और मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? और मैं क्यों करूंगी ऐसा? सुंदरा जी की कोख में मेरा बच्चा है। लेकिन क्या तुम उस बच्चे को अपना पा रही हो? अरे जब देखो तब सुंदरा के पीछे पड़ी रहती हो, उसे परेशान करती रहती हो, कभी उसके ऊपर चाय गिरा देती हो, कभी तेल गिरा देती हो। मैं बेचारी बाहर जाना चाहती थी तो वहां भी तुम नहीं गई, और आज खुल्लस में आके तुमने उसे कमरे में बंद कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा नहाता है। अरे उस बच्चे को कुछ हो जाता तो। हाँ जी, क्या आपको भी लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? देखिए दादी, मुझे लगता है अनजाने में शायद रोहित ने सुंदरा जी को कमरे में बंद कर दिया होगा। वो जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और वो कमरे में कभी आग नहीं लगा सकती, वो इतना नहीं गिर सकती। प्लीज दादी। नाहर जी, मैंने वो दरवाजा खुला देखा था इसलिए मैंने बंद कर दिया था, लेकिन तब अंदर कोई भी नहीं था। कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। रोहित, तुम आजकल बहुत लापरवाह हो गई हो। तुमसे हो सकती है ऐसी गलती। मुझे तो लगता है कि आग भी रूही नहीं लगाई थी, क्योंकि धुआं भी तो सबसे पहले इसी को दिखाई दिया था ना। आए दिन सुंदरा को परेशान करती रहती हो। बस कीजिए आप लोग, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे अपने बच्चे की परवाह नहीं है? मैं सुंदरा जी से जलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा है, हर चीज की जिम्मेदार आप लोग मुझे ठहरा रहे, मुझे गलत समझ। राजी, आपको जितने अपने बच्चे की परवाह है उतने मुझे भी है, और ये आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वक्त रहते आप लोग सब समझ जाएंगे। और मुझे अपनी सफाई में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे जब खुद का सच पकड़ा गया तो कैसे तिलमिला उठी। तुम सब लोग अच्छे से सुन लो और समझ लो इस बात को, रूही सुंदरा के पास बिल्कुल नहीं जाएगी, समझे?
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दो से नए नाम मिलाएंगे के सारे शानदार एपिसोड्स। पर लगी हुई थी, मुझे लगा कि ये चाबी दादी की, लेकिन उनकी चाबी तो उनके पास ही है। तो फिर ये चाबी दरवाजे पर आई कैसे? और इस चाबी के बारे में अग्नि के सिवाय और किसी को पता भी नहीं है। तो फिर ये दरवाजा खोला किसने? ऐसा तो नहीं कि अग्नि छुपकर इस घर में आई? क्या दादी, मैं कब से खड़ी हूँ? कितनी सब्जियां खरीदोगे? देखो ऑलरेडी कितनी सब्जियां खरीद ली हैं आपने। मैंने क्या करे तब से? ऐसा लग रहा है पूरे महीने की सब्जी ना आज ही खरीदने का इरादा है आपका। लगा था मुझे मार्केट लेके आओ, कम से कम चाय पकोड़े कुछ तो खिलाओगे। मजदूरी करवा रहे हो यहाँ मुझसे? चुप कर, सजा मिली है तुझको, याद है ना? सजा में है महारानी। और चाहिए क्या इनको? चाय पकोड़े। जब तक तू अपनी गलती मान नहीं लेती, सॉरी बोलकर अपने ससुराल वापस नहीं चली जाती, तब तक ऐसे ही सजा मिलती रहेगी तुझे। समझ में आया? दादी आपको जितनी सजा देनी ना उतनी दे लो, जितना काम करवाने करवा लो, मैं कर लूंगी, लेकिन वापस ससुराल नहीं जाऊंगी। ये लड़की भी ना अपनी जिद में अपना ही घर बर्बाद कर रही है, कुछ तो करना होगा। ए जुही सुन ना, मुझे उस ठेले में से कुछ सब्जियां लानी है, तू चुपचाप यहीं खड़ी रहे। और सुन, इधर उधर अगर हुई ना तो इस बार तो कमरे से बाहर निकाला है, अगली बार से निकालूंगी भी नहीं, यहीं खड़ी रहे। दादी। जी दादी। अरे दामाद जी कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप मेरी पोती से प्यार व्यार नहीं करते, मैं तो सोच रही थी आप बहुत प्यार करते हैं उससे। अरे कब से मायके छोड़ा हुआ है उसे आपने? आप नहीं चाहते कि वो अपने घर आए? दादी मैं जुही के बिना कैसे रह रहा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं तो जुही के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तो दामाद जी ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे बैठे इंतजार करने से क्या होगा भला? खैर कोई बात नहीं, आप ना एक प्लान सुनिए, बस आपको उस प्लान के हिसाब से चलना है, फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। ठीक है? सुपर। क्या तू ना खुश हो गया और तू मुझे अब बता रही है रूही? क्या बताते जूही, इस घर में कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, सबको यही लगता है कि मैं सुंदरा जी को और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, मैं उनके दुश्मन हूँ। रूही तू मान ना मान, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, सुंदरा ना बड़ी टेढ़ी खीर सच में। नहीं तो तू खुद ही सोच, वो ऐसे कैसे कमरे में बंद हो गए? मुझे लगता है उसने खुद को ही बंद कर लिया होगा कमरे में, खुद ही छुप गई होगी ना। पता नहीं छुई, पर कोई खुद अपने बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? अब जो भी है वो सब मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें ना सुंदरा पे कड़ी नजर रखनी होगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा सुन, मैं ना बाहर ही हूँ, अगर तेरे पास कुछ प्लान है तो मुझे बता दे, मैं दादी को चकमा दे के यहाँ से भाग जाऊँ। जूही अभी तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं कुछ सोच कर तुझे जल्द बताती हूँ। चल अभी बाय।
अब कुछ भी हो मुझे सुंदरा जी के बारे में कुछ तो पता लगाना ही होगा। रोहित, अब रोहित क्या कर रही हो तुम? इधर आओ। रोहित, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? ध्यान ही तो भटका हुआ है ना आशी। इस घर में किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है, सब मुझे गलत समझते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे आपकी शक भरी नजरों को देखकर होता है। मैं भी थक चुका हूँ रोहित, तुम्हें गलत समझ समझ के मैं थक चुका हूं। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? अगर मेरी वजह से सुंदरा जी को तकलीफ होती, उन्हें बार बार चोट पहुंचती तो तुम क्या करते? बता दो मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ आप पर यकीन करती हूं आप जी। कहना बहुत आसान है, लेकिन जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, उसके बाद ये सब नजरअंदाज करना आसान नहीं है। रोहित, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो मुझे। जिस दिन हम बाहर जाने वाले थे, तुम, मैं, सुंदरा जी, उस दिन तुम जूही से मिलने गई थी या नहीं? हमारे बच्चे से ज्यादा तुमने अपनी बहन को ज्यादा अहमियत दी थी या नहीं? लेकिन नाजी, मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम जूही से मिलने गई थी या नहीं? हाँ, मैं जूही से मिलने गई थी, लेकिन नाजी, बस रुई, मुझे मेरा जवाब मिल गया। रोहित, मैं मानता हूं कि तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे से प्यार है, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आज भी तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन, तुम्हारा घर सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे बच्चे से भी ज्यादा। इसलिए रोहित, मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। सुनी, सावन शुरू होने वाला है, सब तैयारी कर लेना। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? नहीं, क्या पता मुझे ही कुछ हो गया। सुंदरा, तुम इतने तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो आने दीजिए, मेरा कुछ फ्रेंड मेरे को मिलने बुलाता, उन्हीं से बस मिलने जाता मैं। लेकिन सुंदरा जी, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना, तो ऐसे में आपका बाहर जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। रोहित जी, आप मेरी फिक्र करता, आप ही की वजह से तो मैं बीमार पड़ा था। पर फिकर नॉट जी, अभी मैं बहुत बेटर फील करता। इनफैक्ट आते वक्त मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लिया जी, मैं चेकअप करवा के आएगा आज, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, मैं जा जी, मैं आता थोड़ी देर में आता। ध्यान से। हाँ, ये सुंदरा जी कहाँ जा रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा।
मम्मी जी वो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर राशन का सामान ले आती हूँ। वैसे भी राशन का सामान थोड़ा खत्म हो गया, वैसे भी सावन भी शुरू होने वाले हैं ना, मैं जाऊँ? इसमें जाने की क्या जरूरत है, फोन करके मंगवा लो। दादी जी वो पिछली बार हमने राशन का सामान मंगवाया था ना, लेकिन उसमें कीड़े लग गए थे, आटे में, चावल में, सब में कीड़े लगे हुए थे। तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद जाकर अच्छे से जांच परख कर लेकर आती हूँ। कहीं रूही सुंदरा पे शक तो नहीं कर रही, उसका पीछा तो नहीं कर रही, इसको कैसे भी रोकना होगा। कह दिया ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही रहो, कहीं नहीं जाओगी तुम। समर अब तू इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है? देख बेटा ये मत कहना कि तू जूही से मिलने जा रहा है। नहीं माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा चल ला फोन दिखा। माँ मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो आप मेरी जासूसी कर रहे हो? अब बिना सबूत दिए मैं अपने दोस्तों से मिलने भी नहीं जा सकता। क्या करूँ बेटा तेरी हरकतें जो ऐसी, माँ जी आप समझाइए ना। ये सही मौका है, मैं चुपके से बाहर चली जाती हूँ। सॉरी मम्मी जी लेकिन मुझे सुंदरा का पीछा करना ही होगा। देख लिया ना आपने मेरा फोन, अब मैं जाऊं, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है जा। सोनी ये रूही कहाँ चली गई? रूही अब माँ जी कहीं रूही राशन लेने तो नहीं चली गई? पता नहीं रूही राशन लेने गई है या किसी और काम से गई है। वापस आएगी तब इसकी खबर लेती हूँ और अंधी को भी बोल देती हूँ कि थोड़ा सतर्क रहे। हाँ अब बस बस। ये लो थैंक यू। चिताती भी ना अगर इनका फोन उठा लिया तो कहीं घर मुझे वापस ना बुला ले। नहीं 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 उठाऊंगी, आज तो मैं जमकर शॉपिंग करके रहूंगी। इतने दिन हो गए वही पुरानी प्लेन साड़ी पहन के अयो अयो कर रही हूँ मैं। सॉरी दादी। उसने फोन क्यों कट कर दिया? अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं ये रोही इसका पीछा करने के बहाने घर से बाहर ना गई हो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुंदरा जी यहाँ? We'll be right back.
सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। क्या है मैडम, देखकर नहीं चल सकती क्या? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। I'm sorry. अचानक से सुंदरा जी कहाँ चली गई? दादी आप कब से चला रहे हो? ऑटो ही ले लो एक। तो पता चल चल के मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, इतने इतना सामान ढोना पड़ रहा है। अरे थोड़ी सी आगे चलते हैं ना, वहीं मिल जाएगी ऑटो। ये दामाद जी अभी तक क्यों नहीं आए? दादी मैं पीछे वाली गली में हूँ, जैसे ही जूही गार्डन की तरफ आएगी हम अपना प्लान शुरू कर देंगे। ए जूही, वो वहाँ जो गार्डन है ना, उसकी उस तरफ मिल जाएगा ऑटो, वहीं चलते हैं। पता नहीं रूही को सुंदरा के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। मुझे दादी को चकमा देके रूही से मिलने जाना होगा, पर इनकी नजरों से बच के मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? ये सुंदरा जी कहाँ चली? बम्बे बोले। अग्नि, जुए तेरे हाथ पे ठीक ना लगा? ये तो वैसा ही कर रहा है जैसा सुंदरा जी का रंग है। जुए हो ना हो, सुंदरा और अग्नि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। अगर सुंदरा जी और अग्नि के बीच कोई संबंध, उसे पता लगाने का एक तरीका है मेरे पास।